हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्लावर टेबल मैट। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। बहुत आसान है ये बनाना। यहाँ पर हमने स्क्वायर पीस लेना है, यहाँ पर डबल पीस लिया है। एक फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर हमने डबल पीस लेना है कपड़े का, और यहाँ पर 8x8 का स्क्वायर पीस लेना है। राइट साइड हमारा अंदर की साइड रहेगा, रॉन्ग साइड हमारा बाहर की साइड रहेगा, और पिन लगा कर इसे हम इस तरीके से सेट करेंगे। अब आपने इतना पोर्शन छोड़ना है इसको सीधा करने के लिए, और चारों साइड सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सिलाई लगाते हुए आपने कॉर्नर को इस तरीके से सिलना है कि निडल मशीन के अंदर हो, तभी आपने कपड़े को हिलाना है। और एक पैर की सिलाई लगाते हुए चारों साइड से आपने सिलना है। थोड़ा सा आपने छोड़ना है इसको सीधा करने के लिए। ये देखिए, चारों साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब कॉर्नर से आपने इस तरीके से कट लगाना है, और आप इस तरीके से भी कट लगा सकते हैं। ये देखिए, चारों साइड कट लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे, और यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। सभी कॉर्नर हम ये देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे, और इस पर आयरन कर रेडी करेंगे। ये देखिए, आयरन इस पर हमने कर ली है। अब ये ओपन पार्ट है, आपने इसे सिलना है छोटा छोटा कच्चा करते हुए, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा आपने इसमें कच्चा करना है मैचिंग धागा लगाते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर डबल नॉट लगाएंगे, डबल नॉट लगाकर इसे पक्का करेंगे ताकि ये खुले ना। धागा आप सिंगल या डबल कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से अब इसे हम कट करेंगे। ये यहाँ पर रेडी हो गया। अब इसे आपने इस तरीके से फिंगर से प्रेस करना, और इसका सेंटर पर निशान लगाना है। अब देखिए, इस कॉर्नर से लेते हुए और आपने इस कॉर्नर को इस तरीके से यहाँ पर आपने इसे सिलना है। जो भी फ्लावर आपने ऊपर की साइड रखना है, आपने ये देखिए इस तरीके से कलर को रखना है। ये देखिए, यहाँ पर आपने सिंपल ही इसे सिलना है। यहाँ पर ये सेंटर का निशान है, ये देखिए इसे हम सेट करेंगे। इस कॉर्नर को भी हमने सिलना है। इस वाली स्टिच को हम बाद में खोल देंगे, इसलिए आपने इसे ज़्यादा पक्का नहीं करना है। ये देखिए, हल्का सा इसे खींचेंगे, थोड़ा सा धागा रखते हुए इसे हम कट कर लेंगे। नॉट लगाएंगे। अब आपने ये देखिए सेंटर का निशान है, यहाँ पर लेकर आएंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। नीचे सेंटर का निशान है, यहाँ से लेते हुए नीचे से कपड़े को नहीं लेना। जो कपड़ा हमने फोल्ड किया, सिर्फ आपने उसी को ही स्टिच करना है। ये देखिए, और यहाँ पर आपने नॉट लगाना है, डबल नॉट लगाएंगे यहाँ पर। इसे हमने यहाँ से पक्का करना है। इसको आप फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी इसे सिलेंगे। इसे भी आपने डबल नॉट लगाकर इसे पक्का करना है, इसे हमने खोलना नहीं है। ये देखिए, ऐसे ही डबल नॉट लगाकर इसे भी ये देखिए टाइट करेंगे। इसे अब हम कट करेंगे। ये देखिए, अब आपने इसको इस तरीके से साइड ये देखिए खोलना है। ये देखिए, अब आपने फिंगर से ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनाना है। ये देखिए, जैसे आप वीडियो में आपको देख रहे हैं, ये देखिए अब देखिए ये वाला स्टिच आपने खोलना है। ये देखिए, इसे हमने खोल दिया, इसमें हमने नॉट लगाकर इसे पक्का नहीं किया था। ये देखिए, यहाँ पर फ्लावर बनकर हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से आप फ्लावर रेडी करेंगे। जितना बड़ा साइज़ आप बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फ्लावर रेडी करेंगे। यहाँ पर हम डबल कपड़ा लेंगे, जिसकी लेंथ है 19 इंच। स्क्वायर पीस लेंगे दोनों। फ्लावर का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, 5 इंच और ये 5 इंच। अब देखिए, यहाँ पर हम सर्कल कट करेंगे।
जितना फ्लावर का साइज बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने ये सर्कल रेडी करना है। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे। कट करेंगे इसे। फॉर्म लेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और बीच में हम फॉर्म को सेट करेंगे। पेन से सेट कर इसे रेडी करेंगे। सर्कल का साइज़ है 19 इंच। एक्स्ट्रा फॉर्म या कपड़ा जो भी आप लगाएंगे उसे आप कट करेंगे। अब इसे कोइल करेंगे। कोइल कर इसे हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए कोइल इसे हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम उरेब कपड़ा लेंगे जिसकी विड्थ है 2 इंच। सर्कल आप जितना बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने ये स्ट्रिप लेनी है। सिलाई लगाकर आप इसे कंप्लीट करेंगे एक पर की सिलाई लगाते हुए। अब देखिए यहाँ पर आपने सिलाई को छोड़ते हुए इस तरीके से आपने कट किया। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाने, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपने कट लगाना है। इससे हमारा सर्कल अच्छी तरीके से, ये देखिए अब आप इसे सीधा करेंगे। अब देखिए ये वाली सिलाई हमारी, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस कपड़े को रखते हुए ये देखिए इस तरीके से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई करनी है आपने। नीचे वाली स्टिच जो हमारी दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही आपने इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो हमने कट लगाए थे वो ज़रूर लगाना। उससे लगाने से ये देखिए कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे। सभी फ्लावर हम सेट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने रखना है इसको। सभी फ्लावर सेट करने के बाद आप इसे पिन से सेट करेंगे। कॉर्नर से कॉर्नर को टच करेंगे और पिन लगाकर इसे हम सेट कर लेंगे। ये देखिए पिन लगाकर इसे हमने सेट कर लिया है। सेंटर में आप इसी तरीके का फ्लावर बना सकते हैं या फिर आप सर्कल कट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप बीच में फ्लावर बनाना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर पीस आप 6 इंच रखेंगे। चारों साइड आप इसमें सिलाई लगाकर इसे कट करेंगे और इसे लाइनिंग की तरफ से आप इसे कट करेंगे सेंटर से और आप इसे सीधा कर लेंगे। इसे सीधा कर अब हम इस पर आयरन करेंगे। ये देखिए आयरन कर इसे रेडी कर लिया है। इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर को रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। पिन लगाकर अब आप इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे घुमाते जाएंगे हम और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इसे पूरा भी स्टिच कर सकते हैं। पिन को हम निकालते जाएंगे, नॉट को हम अंदर की साइड करेंगे और छोटा छोटा कच्चा करते हुए इसे हम सेट करेंगे। पीछे स्टिच नहीं आना चाहिए। ये देखिए सिलते समय आपने इस कॉर्नर को अच्छी तरीके से सेट करना है। छोटा छोटा कच्चा करते हुए इसे हमने सिलना है। तब आप इसे स्टिच कर देंगे। तब आपने इसमें पिन को निकाल देना है। मैचिंग धागे से आपने इसे स्टिच करना है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए
इसी तरीके से कच्चा करते हुए सभी फ्लावर हम सिल लेंगे। ये देखिए एक बार इस तरीके से आपने छोटा छोटा कच्चा करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनकर हमारा रेडी हो गया। देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, मल्टी कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।